नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और अपने विचारों में व्यस्त होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का चालू आर्ट क्लास में। तो आज के कुछ सुपर इम्पोर्टेंट वन लाइन क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ भी बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है और पूरा वीडियो एंड तक देखना है। और जो है जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और जो है ऑल सेलेक्ट कर लें, इससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो है चैप्टर 11 कला के तत्व, तो जिसमें रेखा, आकार, आकृति, वर्ण, रंग, तान, पोत, अंतराल सभी आते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चित्रकला के 6 तत्व माने गए हैं। अब रेखा के बारे में पढ़ेंगे, चित्र में प्राण आता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रंग से भी आता है, रेखा से भी आता है, लय से भी आता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेखा कहते हैं। चित्र में रेखा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आकृति को रूप देती है, प्रभाव पैदा करती है, चित्र को उभारती है, सभी करती है, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेखा का। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेखा। निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेखा। ईरानी शैली की एक विशेषता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेखाएं। निम्न में से कौन सा अभिकथन सही है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। भाव कला को क्या देता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति देता है। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गति, यानी कि निरंतर चक्राकार क्या है, निरंतर चलती रहती हैं, तो यहाँ पे गति सही हो जाएगा। 4 से अधिक रेखाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र कहलाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बहुभुज। समांतर रेखा का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो आपस में नहीं मिलती हैं उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह रेखाएं जो एक दूसरे का अनुकरण करती हैं उन्हें कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आवृत्ति रेखाएं। सेट स्क्वायर्स का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समांतर रेखाएं खींचने में। टी स्क्वायर्स का क्या है, टी स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समांतर रेखाएं खींचने का यंत्र। कोणीय रेखाएं किस भाव को प्रकट करती हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, व्याकुलता। क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, शांत। विकर्ण मापनी क्या है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 अंक मापनी। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अजंता। अजंता में कितने प्रकार की रेखा शैली का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रेखा का। चित्र में कर्णवत रेखाएँ किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्याकुलता। चित्रण के लिए किस आकार प्रकार के ब्रश प्रयोग किए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि राउंड, फ्लैट, फिल्बर्ट सभी किए जाते हैं। निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लिपि, यानी रूप प्रमाण भाव संबंधित है, चित्रकला से लिपि नहीं है। समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लय। चलिए, पूर्व मध्यकालीन कला के, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चित्र एवं गतिपूर्ण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलंकारिक आलेखन किन रेखाओं से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लयात्मक रेखा। अब आकार या आकृति के बारे में पढ़ेंगे, आकृतियों से स्पष्ट होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, रूप स्पष्ट होता है। अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लावण्यता।
निम्न में से कौन सी एक घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं आती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सेब। एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, शंकु। कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यानी कि आकृति को रूप मिलता है, प्रतीक से मिलता है, रेखा से मिलता है, रंग से मिलता है, प्रकाश छाया से नहीं मिलता है। ठीक है, तो यह सही नहीं है। चलिए, समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यून कोण। ऋतु कोण कौन सा है? ऋजु कोण कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 180 डिग्री। साथियों, कभी कभी पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर देती हूँ, तो मिस्टेक पे ध्यान ना देते हुए कोशिश पे ध्यान दीजिए, मिस्टेक सबसे होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 समकोण। त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएँ बराबर हों कहलाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। त्रिज्या होती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यास का आधा त्रिज्या होती है। चलिए, एक वृत्त के व्यास और उसकी त्रिज्या का अनुपात होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 360 डिग्री का। जिस वक्र रेखा से वृत्त घिरा हो उसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, परिधि। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कहलाती है? तो यहाँ पे जीवा कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, त्रिकोणीय। सादृश्य का अर्थ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, आकृति में समानता। अब वर्ण और रंग के बारे में पढ़ेंगे, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चित्रकार असंबद्ध है। चित्रकला में किसका महत्व अधिक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रंग का। रंग को तकनीक की भाषा में कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यू। वर्ण क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की संपत्ति है, सही हो जाएगा। वर्ण या रंग क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रकाश का गुण। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ण के कितने गुण होते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 गुण होते हैं। तो साथियों, ये थे आज के वन लाइनर्स सुपर इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन। इनको आई होप आप लोगों ने अच्छे से लिखा और समझा होगा, और रिपीट पर भी देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वरना कुछ मिस कर देंगे आप लोग। तो चलिए, रिवीजन जारी रखिए, पढ़ते रहिए, अपनी जो तैयारी करते रहिए, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, थोड़ा बहुत योगा भी किया कीजिए, मैं उसके भी वीडियोस डालती हूँ शॉर्ट्स में, देखा कीजिए। चलिए फिर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।